हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आप देख रहे होंगे, एक पोस्टर दिख रहा होगा मेरे बैक साइड में, गुड मॉर्निंग इंडिया। तो मेरे को लगा कि आज का जो टॉपिक होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट अवर डे, हमारा दिन कैसे स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक डे को कैसे स्टार्ट करते हो। क्रिकेट मैच खेलते हो तो स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के कारण सब कुछ डिसाइड होता है, लेकिन बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बढ़ती है। आप क्रिकेट में जब कभी कभी खेलते होंगे तो ओपनिंग पे बहुत फोकस करते हैं। ओपनिंग गुड होगी तो मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे आपका अगर दिन स्टार्ट होगा, अच्छा दिन अगर स्टार्ट होता है, तो पूरे दिन का जो इंपॉर्टेंस है वो गुड हो सकता है, पूरे दिन का इंपॉर्टेंस, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी इस दुनिया में और आपको पॉजिटिविटी सर्च करना पड़ता है। कई बार पॉजिटिविटी मिलती नहीं है, नेगेटिविटी तो चारों साइड है। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छे माइंड सेटअप के साथ एक अगर डे स्टार्ट होगा तो बड़ा अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि आप ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, लेकिन सुबह 6 बजे भी उठ रहे हो तो भी इज गुड, 7 बजे भी उठ रहे हो तो गुड। तो जो लोग को दिन जल्दी स्टार्ट करना अच्छा लगता है, जो लोग दिन जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग लेट नाइट तक जगते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो गलत करते, बट इट्स ओके, एस्पिरेंट लाइफ में सब चलता है। लेकिन फिर भी जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं उनकी अगर बात करूँ तो 7 AM इज गुड, 6 AM इज वेरी गुड, और उसके पहले और कोई 5 AM की जरूरत तो नहीं पड़ती है। ठीक है, कुछ लोग अगर उठते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करना चाहिए अपने डे को, प्रॉपर सोचना चाहिए। आप आराम से फ्रेश वगैरह हो जाओ, थोड़ा सा वॉक कर लो, वार्म वाटर थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा एक गुड फील फैक्टर के साथ थोड़ा सा सोच, मतलब एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो कि मेरे को आज का दिन कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे मेरे को प्लान करना है, प्लान खुद के लिए कि मेरे को आज क्या क्या चीज़ करना है। क्योंकि जितना आप सोचोगे उसमें से लगभग 50% भी एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होगी, क्योंकि हम सोचते तो बहुत अच्छा है, हम चाहते भी बहुत अच्छा है अपने साथ। ऐसा नहीं, हम कोई दुश्मन नहीं है अपने, कोई व्यक्ति अपना दुश्मन नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनूं, हर व्यक्ति चाहता है जिंदगी में मैं ग्रोथ करूं, हर इंसान चाहता है जिंदगी में मैं सक्सेसफुल हूं, हर इंसान चाहता है मैं जिंदगी में रिच पर्सन बनूं। इतनी सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती एक साथ, लेकिन इंसान चाहता तो है। तो सबसे पहले वो ये कभी नहीं चाहता कि मेरा थॉट्स ही पॉजिटिव हो, ऐसा कभी नहीं चाहता है। वो दूसरी फैक्टर पे काम करता है, जिन फैक्टर पे पहुंचने के लिए कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका डे कैसे स्टार्ट होता है, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप डे को स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि आपको आराम से वॉक वगैरह कर लियो, आप 30 मिनट्स वॉक भी बहुत गुड है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज गुड। आजकल विटामिन डी की कमी होते जा रही है दुनिया के, मतलब इंडिया के 90% लोगों को तो विटामिन डी की कमी होती जा रही है, विटामिन डी फिर खाना पड़ता है बाद में। तो आप मॉर्निंग अगर आप करते हो तो आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी, मेडिकल वाली बात हो गई। बाकी इन जनरल ना मैं ऐसा फील किया हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, कि जब भी आप एक डे अच्छा स्टार्ट करते हो मॉर्निंग से, क्योंकि कई बार हम रात भर जगते हैं और सुबह 11-12 बजे उठते हैं, तो थोड़ा चिड़चिड़ाना वाला पार्ट रहता है जब आप 12 बजे उठते हो तो। बहुत मतलब फ्रेश नींद पूरी हो गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे सोने गए थे, 11 बजे उठे लगभग, 4-7 घंटे सो के, लेकिन तो भी ना हैप्पीनेस वाला पार्ट ना जब 11-12 बजे उठते हो तो मैक्सिमम केसेस में नहीं रहता है। लेकिन जब आप सुबह 6-7 बजे उठते हो ना, क्योंकि मैक्सिमम दुनिया सोई रहती है उस समय सुबह, बस एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, सुबह जब आप 6 बजे उठते हो ना तो उस समय कोई व्हाट्सअप लोग बात करने के लिए कम मिलते हैं, तो आप अपने आप पे फोकस ज़्यादा कर पाते हो, क्योंकि उस समय कौन मिलेगा सुबह 6 बजे आपको बात करने वाले लोग, कौन सुबह 6 बजे आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा, कम लोग होंगे ना, 8 बजे तक 9 बजे तक लोग उठेंगे, कोई 10 बजे उठता है 8 बजे उठता है। तो धीरे धीरे दिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है आपकी लाइफ में, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, लेकिन मॉर्निंग आपका होता है जब आप सुबह 6 बजे उठते हो, 6 से लेकर 8 बजे 9 बजे तक वो आपका दिन होता है। और उस समय में किसी को एंटरटेन भी मत करो, आप अपने लिए सोचो, अपने लिए प्लान करो कि 24 घंटा होता है, पता है, एक दिन की बात कर रहा हूँ, उसमें से आप अगर ना 10 घंटे, सिर्फ 10 घंटे यार, 24 में से पूरे 24 भी नहीं, 10 घंटे अगर आप सही तरीके से अपने पे इन्वेस्ट कर दिए ना, तो आपकी ज़िंदगी का जो मीनिंग है वो चेंज होना चालू हो जाएगा, आप ना हैप्पी होना चालू हो जाओगे, पॉजिटिविटी आएगी, आप पॉजिटिव होगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होगा, आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, आपके अच्छे करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप डायरी लिखते हो तो डायरी मतलब लिखने का मतलब पूरी स्टोरी लिखना नहीं है, आप अपने लिए प्लान करो कि मेरे को ये चीज़ एग्जीक्यूट करना है। रात को 5 मिनट फिर से टाइम निकालो कि जो मैं सोचा था वो हुआ कि नहीं। शुरू में तो ऐसा होगा कि मैं 10 चीज़ें सोचा था लेकिन एक ही हुआ, कुछ लोगों का तो 0 भी होगा, कुछ लोगों का तो 1 हुआ लेकिन दूसरा हाफ हुआ, ऐसे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। मतलब हो सकता है कि 10 डेज के बाद में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 15 दिन के बाद में इंप्रूवमेंट, एकदम से जिंदगी में कोई चेंज, एकदम कोई सीक्रेट नहीं है,
या कुछ मैजिक नहीं है कि आप आज सोचे कल से आप चेंज हो गए, कल से आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिए। नहीं, एक रूटीन लाइफ को ब्रेक करना बहुत टफ है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बहुत समय से चलते आ रही है। आपको कुछ चीज़ें पसंद है जो कि गलत है तो भी पसंद है, लेकिन आप उसके गुलाम हो। और हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ का गुलाम होता है, और उसको पता होता है कि वो गुलाम है, उसको पता होता है कि मेरे को वहाँ से फ्री होना है, लेकिन वो चाह के भी या वो ना चाहते हुए भी उससे फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि चीज़ें उसको अच्छी लगती है। इसका मीनिंग सोचने की कोशिश करना, इस चीज़ को मीनिंग सोचने की कोशिश करना, जो मैं एग्जैक्टली वर्ड बोला भी, जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट बोला ना, उसको अच्छे से सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ सर सही बोल रहा है। उसके बाद आप अपने दिन को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, एक मॉर्निंग गुड सेशन रखो, छोटे छोटे सेशन बड़े अच्छे बनाओ। ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट के बाद फिर से एक दो घंटा बैठो। ऐसा नहीं कि खूब पढ़ो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छा सा सेशन अपने लिए निकालो। ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 से लेकर 12 के बीच में एक दो घंटे का मस्त वाला सेशन निकालो, फिर जो आपको पसंद है वो करो। आफ्टरनून में आप 2-3 घंटे का एक सेशन निकालो, इवनिंग में आपको घूमने जाना है, आपको फ्रेंडशिप निभाना, सब निभाओ ना। स्मार्ट लोग, दुनिया के जो स्मार्ट लोग रहते हैं वो सब निभाते हैं, और पता है सक्सेसफुल भी होते जाते हैं, उनको पता रहता है एग्जैक्टली क्या करना है। और कुछ लोग ना ना फ्रेंडशिप निभा पाते, ना वो पढ़ पाते, ना वो इंजॉय कर पाते। बहुत सारे लोग परेशान क्यों होते, सर मैं तो पार्टी नहीं करता हूँ, हाँ भाई सर मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूँ, ठीक है सर मैं तो स्मोकिंग नहीं किया आज तक, ठीक है सर मेरे तो ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं है, ठीक है सर तो भी मैं फेलियर हूँ। सर आप मेरे को ये बताओ कि अब सर मेरे को बताओ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना सर मेरा बॉयफ्रेंड है ना या मेरी गर्लफ्रेंड है, सर मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा नहीं है, सर मैं इवन आपको बता दूँ सर मैं व्हाट्सअप भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, सर बहुत सारे लोग तो व्हाट्सअप यूज करते, सर मैं बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता, सर टेलीग्राम भी ज़्यादा यूज नहीं करता, सर मैं इंस्टाग्राम, सर लोग इतना सारा लोग अपोजिट जेंडर की इतनी सारी सर वीडियो और पिक देखते, मैं तो वो भी नहीं करता सर। सर बट क्वेश्चन ये कि मैं फेलियर हूँ। व्यक्ति इस केस में इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होते जाता है, क्योंकि उसके पास आंसर नहीं है कि वो क्यों हो रहा है। तो कुछ ट्रायल और एरर अप्लाई करना चाहिए। और ऐसा होता है ना आपके पास, वैक्सीन जो बनी है वो ऐसा थोड़ी कि बन गई, बहुत सारे ट्रायल एरर होते गए। कभी कभी आपकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो कभी कभी आपको चेंज करने की नीड है। क्या चेंज करने की नीड है? रूटीन लाइफ से हटने की नीड है। सर इसका तो ये मतलब हुआ कि सर मैं कल तक ड्रिंक नहीं करता था, सर अभी कुछ दोस्त बनाता हूँ ड्रिंक करता हूँ, सर एक आधी वीक देखूँ तो क्या चेंज होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल चीज को छोड़ के एक्स्ट्रॉर्डनरी नेगेटिव होना। मतलब मैं बात अच्छी कर रहा हूँ, उसमें से आप पकड़े गलत बात को। इसको बोलते हैं कि और नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना। पॉजिटिव बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। आप एक गुड रूटीन लाइफ तो बनाइए, बट थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप अपने टेबल पे बैठे हो और आप अगर पॉजिटिव नहीं है, आपके थॉट बहुत अच्छे नहीं है, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसमें आपका डेडिकेशन लेवल नहीं है, आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आप पागल हो सक्सेस को सोच के, पागल हो रिच बनने के उस स्टेप को सोच के, आप परेशान हो कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं है एक मस्त वाला, आप परेशान हो कि मेरी एक मस्त गर्लफ्रेंड नहीं है, तो खत्म है स्टोरी। आपकी स्टोरी कोई क्या करेगा, आपकी स्टोरी में कोई कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी डेफिनेशन खुद लिख रहे हो। फेलियर की डेफिनेशन भी होती है, आपको नहीं पता लेकिन आप खुद अपनी डेफिनेशन लिख रहे हो, क्योंकि आप उन सब चीज़ों के कारण परेशान हो जो नहीं होना है। आप इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मिस कर दे रहे हो, जो खुद आपको अपने बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला, आप परेशान हो। क्यों डेली फाइट हो रही भाई बॉयफ्रेंड से परेशान करता है, या डेली फाइट हो रही गर्लफ्रेंड से, समझ नहीं रही हो। आपको बैलेंस लाइफ जीते आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज क्या होती है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता तो फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और ये तो एग्जाम है, अगर आप एस्पिरेंट हो, सबसे अच्छी लाइफ एक एस्पिरेंट की होती है, उसको नहीं पता। जब वो एस्पिरेंट से बाहर निकल जाएगा 10 साल बाद वो बोलेगा, ये स्टेटमेंट वो देगा लेकिन 10 साल बाद देगा, उसको लगता है कि सर सबसे बेकार लाइफ है एस्पिरेंट की, मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट लाइफ है एस्पिरेंट की, उसको नहीं पता। बस एक 10 साल के बच्चे को कभी नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी का बेस्ट टाइम चल रहा है। एक यंग व्यक्ति को कभी नहीं पता चलता होगा 20 से 25 साल उसकी जिंदगी का सबसे वो चल रहा है, ब्लड का फ्लो जो फास्ट होता है उसको नहीं पता होता, उसको वहां से निकलना है। एक 10 साल के बच्चे को एक कॉलेज में जाना है,
स्कूल में जाना है, स्कूल के बच्चे को कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बच्चे को थोड़ा सा नेक्स्ट लाइफ जीना है। किसी को भी नहीं पता कि उसका प्रेजेंट कितना अच्छा है, क्योंकि उसको वो फ्यूचर की चिंता कर रहा है। अच्छी बात है फ्यूचर की चिंता करना, लेकिन उसको प्रेजेंट का पता होना चाहिए कि उसका प्रेजेंट क्या है। आप अपने आप को रूटीन वाइज बेटर बनाने का ट्राई करो, मे बी आपको रिजल्ट मिल जाए। एक कोई फॉर्मूला नहीं होता, नहीं तो फिर क्या होता कि बड़े बड़े लोग जो बोलने वाले लोग होते वो एक ही मोटिवेशनल वीडियो बनाते और बात खत्म हो जाती। अब संदीप महेश्वरी सर इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो बनाते, मतलब हजारों वीडियो बनाए होंगे, हजार नहीं तो 100-200 तो बनाए होंगे। अगर एक मंत्र होता उनके पास तो वो एक या दो वीडियो बनाते और बता देते सब बात, कि जितने भी दुनिया के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो अपनी, अगर उनको भी पता होता फॉर्मूला, अगर उनको पता होता फॉर्मूला तो दो वीडियो बना के अपनी बात को खत्म कर देते, डिस्कशन खत्म, आप क्या वीडियो बनाने की जरूरत है, बता तो दिए भाई। जो भी फॉर्मूला वो सोचते हैं वो फॉर्मूला सबके लिए फिट नहीं होता है। आप यूनिक पर्सन हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला एग्जैक्टली फिट हो कि नहीं वो जरूरी नहीं, आपको अपने बारे में पता करना पड़ेगा, आपको आपका फॉर्मूला सर्च करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूं नहीं, लेकिन डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपको आपका फॉर्मूला ढूंढना है। और जिस दिन आप अपना फॉर्मूला ढूंढ लिए उस दिन चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको आपका फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो ये तो भगवान की खोज के समान है। खोजते रहो खोजते रहो। बोलते ना भगवान किसी को मंदिर में मिलता है, किसी को मस्जिद में मिलता है। अब अल्लाह बोलो भगवान बोले की बात है, किसी को गिरजाघर में मिलता है, किसी को आई क्लोज करके मिलता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे क्यों, वैसे ही है, सबका फॉर्मूला अलग है, सबका स्टाइल अलग है, सबका एक्सेप्टेंस अलग है। आपको सर्च करना होगा आपके लिए, क्योंकि आपको आपके बारे में पता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। आप जल्दी हड़बड़ा जाते हो, ऐसा है या नहीं है, ओवर थॉट पर्सन हो आप, आपको दूसरों को देख के बहुत गुस्सा आता है, बहुत जलते हो आप, जीलियस पर्सन हो, बहुत जलन होती है आपको लोगों को देख के, इसका मतलब सर मैं खराब व्यक्ति हूं कि नहीं, नहीं ये ह्यूमन नेचर, जैसे मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं शॉर्ट टेम्पर हूं, तो ये ह्यूमन नेचर है। बहुत सारे लोग शॉर्ट टेम्पर होते होंगे, विराट कोहली भी शॉर्ट टेम्पर है, इट्स ओके। हमको जितना हम उस पर काम कर सके बस उतना ही है। आप किसी से जलते हो मतलब आप खराब है, ह्यूमन नेचर। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी स्टोरी सोचना पड़ेगा। उसमें से एक पार्ट है अपना रूटीन लाइफ, उस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कुछ रूटीन फॉलो नहीं करते लेकिन गजब के सक्सेसफुल है, पागलपन है, ड्रिंक विंक करते, स्मोकिंग करते, उसके बाद भी गजब का एक्टिंग करते, गजब की अपनी जिंदगी के पैरामीटर को चेंज करते, तो एग्जैक्टली हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मतलब स्मोकिंग कर रहा हूँ, आप फॉरेन में कई लोगों को देखोगे गजब के लोग मतलब एकदम स्मोकिंग किए पड़े, अपने काम किए पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके उस काम को छोड़ के इसे स्मोकिंग को देख रहे हो, ये आपके ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको अपना फॉर्मूला चेक करना है, सर्च करना है, वो आपके लिए काम करेगा। तो आज का मेरा गुड मॉर्निंग जो इंडिया था वो यही था कि आप इस फॉर्मूले पे एक बार काम करके देखो। ये फॉर्मूला एक ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है। सुबह उठो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थॉट रखो, एक रूटीन प्रॉपर फॉलो करो, जिंदगी को भी जियो यार। 10 घंटे काम करना इज गुड, अपने बारे में लाइफ को जियो। लाइफ को जीने का मतलब ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना नहीं होता है, या रिलेशनशिप में होना, ये नहीं होता गुड लाइफ का मतलब। फ्रीडम, इंटरनल फ्रीडम, थॉट वाइज, इसको भी जिंदगी जीना बोलते हैं। रात में सोने से पहले एक बार चेक करो कि आप अपने लिए कितने ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी कितनी है आपकी खुद के लिए, कितना सोचते हो और कितना करते हो, थोड़ा पता तो चले। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और बेटर ट्राई करो, तीसरे दिन और बेटर ट्राई करो, अरे बेटरमेंट बेटरमेंट करते करते तो चीज चेंज होगी, नहीं? यस, और क्या है? ठीक है, तो जस्ट मेरे को लगा कि आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी बात आपको कितनी सही लगी, कितने लोग इसको फॉलो करने वाले हैं, कितने लोग अपनी इस रूटीन को फॉलो करते हैं इन जनरल, कितने लोग ये करके अपने में अच्छा फील कर पा रहे हैं इन जनरली, बताइएगा जरूर आप। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।